हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बहुत खतरनाक MIUI रोम का अपन रिव्यू करने वाले हैं। जितने भी MIUI के रोम्स हैं, वो सारे रोम्स में ये बादशाह है। बहुत जबरदस्त इसमें अपने को परफॉर्मेंस मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखो, इसमें अपने को बहुत खतरनाक ऑप्शंस मिलते और ये रोम आपको शॉक कर देता। तो कोई भी पार्ट स्किप मत करो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते। तो सबसे पहले अपन अबाउट सेक्शन पे चले जाएंगे। MIUI वर्जन देख सकते हैं, MIUI XL 13.0.1 स्टेबल अपने को मिलता। ऑल स्पेक्स पे जाएंगे अपन। मेमोरी एक्सटेंशन अपने को मिलता, 1 जुलाई का अपने को सिक्योरिटी पैच मिल जाता। एंड्रॉइड वर्जन अपने को 12 मिलता, देख सकते हैं 12 है। कर्नल अपने को पफ का मिलता। तो ये सब अपने को अबाउट सेक्शन पे मिल जाता। बैक आएंगे अपन। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में अपने को कोई भी लैग नहीं मिलता। इधर खतरनाक एनिमेशन है। एनिमेशन में 1% का भी अपने को लैग नहीं मिलता। और स्मूथनेस की बात करेंगे तो अपने को बहुत जबरदस्त स्मूथनेस इसमें मिल जाती। UI में कोई भी अपने को लैग नहीं मिलता। रिसेंट ऐप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से अपने को रिसेंट ऐप मिल जाते। क्लियर ऑल का बटन भी अपने को मिल जाता। कंट्रोल सेंटर MIUI 13 का मिलता, इसको मैं कस्टमाइज करवा हूँ। आगे वीडियो में मैं बताता हूँ इसको कैसा कस्टमाइज कर सकते हैं। डायलर MIUI का मिलता, तो कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है कि नहीं अपन चेक कर लेंगे। देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है, विदाउट अनाउंसमेंट आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेटिंग्स पे अपन आ जाएंगे, तो सबसे खतरनाक सेटिंग्स मैं इधर बताने जा रहा हूँ। एक्सेल लैब पे अपन जाएंगे, तो देख सकते हैं डिवाइस के मेंटेनर Tony ST है। तो बहुत कोमा रोम बना दिया भाई टोनी भाई, तुम वीडियो का क्रेडिट उनको जाता। कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स पे अपन जाएंगे, तो न्यू कंट्रोल सेंटर स्टाइल को आप इनेबल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टाइल को आप सेट कर सकते हैं, वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, फ्लैशलाइट आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब जैसा अपन फर्स्ट स्टाइल मोबाइल डाटा रखे, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टाइल मोबाइल डाटा आया था। एक बार फोन को रिस्टार्ट कर लेना तो ये सब सेटिंग्स अप्लाई हो जाते। सेकंड टाइल को भी आप सेट कर सकते, टाइल पोजीशन को आप सेट कर सकते। वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि कंट्रोल सेंटर को कैसा कस्टमाइज कर सकते अपन, तो यहाँ पे वो ऑप्शन है। बिग टाइल्स सेंटर्ड का अपने को ऑप्शन मिलता, ये जो टाइल्स है सेंटर में आया थे। बिग टाइल्स इन राइट साइड का अपने को ऑप्शन मिल जाता, राइट साइड पे चले जाते। MI स्मार्ट प्ले, MI स्मार्ट हब, MI स्मार्ट होम अपने को ऑप्शन मिल जाते। स्टेटस बार पे जाएंगे, तो यहाँ पे स्टेटस बार आइकॉन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। कलर्ड नोटिफिकेशन आइकॉन्स का अपने को ऑप्शन मिल जाता। यहाँ पे ये सब सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे टिक कर देना, तो अपना फोन एक बार रिस्टार्ट होता, अपने सेटिंग्स अप्लाई हो जाते। और यहाँ पे खतरनाक ये ऑप्शन है, ट्रांसलेट थीम टाइटल का अपने को ऑप्शन मिल जाता। तो थीम एप्लीकेशन के सर्वर को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चाइना फुल, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया, स्पेन अपने को मिल जाते। तो ये सब सर्वर आप सेट कर सकते हैं। चाइना के थीम्स होना तो चाइना पे कर लेना, वैसे इंडोनेशियन, रशियन, स्पेन के भी आप थीम्स इजिली अप्लाई कर सकते हैं सर्वर चेंज करके। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन पे अपन जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिलता। लाइब्रेरी में अपने को वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे अदर वॉलपेपर्स हैं। आइकॉन स्टाइल आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे लिमिटलेस, पोको आप स्विच कर सकते हैं। मोर आइकॉन्स पे टाइप करते हैं, यहाँ पे थीम स्टोर पे लेके जाता। आइकॉन साइज को आप सेट कर सकते हैं। रिंगटोन्स, नोटिफिकेशन, अलार्म्स, यहाँ पे थीम्स अपने को मिल जाते। लॉक स्क्रीन पे जाएंगे, रेस्ट टू वेकअप ऑप्शन मिल जाता। लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट्स अपने को मिलते। डिस्प्ले पे जाएंगे, डार्क थीम, व्हाइट थीम बहुत अच्छा वर्क कर रहा अपना। रीडिंग मोड अपने को मिल जाता। कलर स्कीम में अपने को ये सब ऑप्शंस मिल जाते। और रिफ्रेश रेट भी तो चेक करा देता हूँ मैं, तो देख सकते हैं 60, 90, 120 पे स्विच कर सकते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन पे अपन जाएंगे, तो हैप्टिक्स बहुत अच्छा वर्क कर रहा है अपने इधर। प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल्स का अपने को ऑप्शन मिल जाता। एडिशनल सेटिंग में अपने को ये सब ऑप्शंस मिलते। साउंड इफेक्ट्स का अपने को ऑप्शन मिल जाता, तो बैक आएंगे। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पे अपन जाएंगे, तो ओल्ड स्टाइल, न्यू स्टाइल भी आप स्विच कर सकते। स्टेटस बार में अपने को ये सब ऑप्शंस मिल जाते। कनेक्शन स्पीड को आप इनेबल डिसेबल कर सकते। होम स्क्रीन पे जाएंगे, तो इसमें अपने को लेटेस्ट पोको लॉन्चर मिल जाता। सिस्टम नेविगेशन बटन, गेस्चर्स पे स्विच कर सकते। होम स्क्रीन आप क्लासिक ऐप ड्रॉअर सेट कर सकते। एनिमेशन स्पीड अपने को मिल जाती। रिलैक्स्ड, बैलेंस, फास्ट पे आप सेट कर सकते। होम स्क्रीन लेआउट देख सकते, मिनिमम 4x6, मैक्सिमम 6x7 तक अपने को मिल जाता। और यहाँ पे आइकॉन साइज आप सेट कर सकते। अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स का अपने को ऑप्शन मिल जाता, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली सेट कर सकते। मेमोरी स्टेटस को इनेबल डिसेबल कर ले सकते। तो ये सब ऑप्शन अपने को मिल जाते। बैक आएंगे अपन। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाएंगे, फिंगरप्रिंट कैसा वर्क कर रहा चेक करा देता हूँ मैं। तो देख सकते हैं बहुत अच्छा वर्क कर रहा, और कोई भी अपने को एनिमेशन नहीं मिलता। तो बैटरी पे जाएंगे अपन। बैटरी बैकअप इस रोम का बहुत जबरदस्त है, इसमें मेरे को कोई भी ड्रेन इशू देखने को नहीं मिला। गेमिंग भी करा मैं, गेमिंग में भी कोई भी ड्रेन इशू नहीं था। सेफ बैटरी बैलेंस परफॉर्मेंस का अपने को ऑप्शन मिल जाता, तो अपने हिसाब से इधर स्विच हो सकते आप। और इसमें अपनी फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। बूस्ट चार्जिंग स्पीड का अपने को ऑप्शन मिल जाता, इनेबल कर लेना, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहता। ऑप्टिमाइज चार्जिंग का अपने को ऑप्शन मिल जाता। ऑटोमेटेड टास्क का ऑप्शन है। शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का अपने को ऑप्शन मिल जाता, तो बैटरी बैकअप बहुत जबरदस्त अपने को मिलता है इसमें। एडिशनल सेटिंग में अपने को 100 मोड मिलता। मेमोरी एक्सटेंशन अपने को मिल जाता। क्लियर स्पीकर का ऑप्शन भी इधर है। तो ये सब अपने को सेटिंग्स मिल जाती है MIUI XL में। सेफ्टी नेट चेक कर लेंगे अपन, पास्ट होता कि नहीं देख लेंगे। रन टेस्ट पे अपन टैप करेंगे, तो सेफ्टी नेट अपना बाय डिफॉल्ट पास्ट है। बैंकिंग एप्स इसमें इजीली रन कर सकते हैं। तो ये पहला MIUI का रोम है जिसमें सेफ्टी नेट बाय डिफॉल्ट पास्ट है। तक जितने भी मैं MIUI के रोम्स रिव्यू करा उन सब में सेफ्टी नेट फेल था, लेकिन इसमें सेफ्टी नेट पास्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। ये डिवाइस सर्टिफाइड है कि नहीं वो भी मैं चेक करा देता हूँ। तो इधर देख सकते हैं डिवाइस अपना सर्टिफाइड है, तो फुल्ली सिक्योर है रोम ये।
DRM इन्फो के अंदर अपने को वाइड वन L1 मिलता, सिक्योरिटी लेवल L1 है। रैम मैनेजमेंट देख लेंगे अपने को कैसा मिलता, तो देख सकते 64% देके जा रहा, तो एवरेज अपन बोल सकते हैं, ज्यादा रैम कंज्यूम नहीं कर रहा है। गूगल फोटोज में अपन चेक कर लेंगे लिमिटेड स्टोरेज मिलता है कि नहीं, तो देख सकते हैं अनलिमिटेड स्टोरेज अपने को अनलॉक मिल जाता। बैकिंग अप फ्रॉम 6 पिक्सल इज फ्री एंड अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड स्टोरेज अपना अनलॉक्ड है। MIUI कैमरा का अपने को सपोर्ट मिल जाता, इमेज कैप्चर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 60fps 4K 60fps तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 4K 60fps अपना वर्किंग नहीं है, देख सकते हैं मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया तो ये रिकॉर्डिंग सेव नहीं होती गैलरी में। 4K आप 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये फुल्ली सपोर्टेड है, देख सकते गैलरी में भी वीडियो आ गई। यहाँ पे पोर्ट्रेट अपना बहुत अच्छा वर्क कर रहा, नाइट भी अपना बहुत अच्छा वर्क कर रहा, और स्लो मोशन भी इधर चेक करा देता हूँ मैं, तो देख सकते हैं स्लो मोशन भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा। 64 मेगापिक चेक कर लेंगे अपन, ये भी बहुत अच्छा वर्किंग है। और यहाँ पे अपने को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते, शॉर्ट वीडियो, पैनोरोमा, वीलॉग, वीलॉग प्रो अपने को मिल जाता, मूवी इफेक्ट्स का अपने को ऑप्शन मिलता, तो बहुत सारे इधर ऑप्शन है, एक्स्ट्रा अपने को ऑप्शन मिलते इसमें। कैमरा के सारे फीचर्स अपने को वर्किंग मिल जाते, लेटेस्ट गैलरी का सपोर्ट अपने को मिलता, और इसमें थीम एप्लीकेशन देख सकते हैं वर्किंग है, बहुत अच्छा वर्क करी थी मैं एप्लीकेशन। और आप सर्वर्स भी चेंज कर सकते हैं, चाइना, इंडोनेशिया, स्पेन, ये सब सर्वर्स यहाँ पे अपने को मिलते हैं। गीक बेंच के स्कोर्स अपन चेक कर लेंगे, तो देख सकते हैं सिंगल कोर 552 और मल्टी कोर 1640 अपने को मिलता, तो ये स्कोर्स मैं पहली बार अचीव करा, बहुत अच्छे इधर स्कोर्स है। सीपीयू थ्रॉटलिंग चेक कर लेंगे अपन, तो ग्राफ इधर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपने को ग्राफ मिलता। मैक्सिमम 1,45,000 GPS तक सीपीयू थ्रॉटल होता, एवरेज 1,27,000 GPS तक, मिनिमम 98,000 GPS अपने को मिल जाता। तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बहुत अच्छा अपने को परफॉर्मेंस मिलता है इसमें। अब देख लेंगे इसमें अपने को गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलता, BGMI खोल लेंगे अपन, तो ग्राफिक्स पे मैं जाके बताता हूँ अपने को क्या ग्राफिक्स मिलते हैं। स्मूथ और 90fps अपने को अनलॉक मिल जाता है इसमें, तो 90fps पे गेमिंग कर सकते हैं। एक मैच भी खेल के बताता हूँ परफॉर्मेंस कैसा है, मालूम चल जाता। तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बहुत जबरदस्त अपने को इसमें परफॉर्मेंस मिलता। गेमिंग में यहाँ पे 3-4 घंटे तक करा, तो कोई भी इधर मेरे को लैग देखने को नहीं मिला। स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्लस गेम प्ले तो बहुत जबरदस्त मेरे को इधर परफॉर्मेंस मिला, कोई भी इधर मेरे को फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिले। लेकिन बहुत ज्यादा अगर बंदे आ गए तो थोड़े से इधर फ्रेम ड्रॉप्स होते, तो एडजस्ट कर ले सकते अपन। और इसमें मेरे को कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला, बहुत जबरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस था रॉम का। ऑलराउंडर रॉम है ये, बहुत जबरदस्त रॉम है, इसको आग बंद करके आप फ्लैश कर सकते। तो अगर गेमिंग कैसे भी कोई सा भी MIUI रॉम ढूंढ रहे तो ये रॉम फ्लैश करो, दूसरा कोई सा भी मत करो। इसमें अपन कोमा गेमिंग कर सकते हैं। रॉम का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लो, इधर मैं लेटेस्ट कस्टम रॉम के पोस्ट डालते रहता हूँ। और कुछ भी डिस्कस करना रहा तो उधर डिस्कशन चैनल भी है, यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर रिव्यू हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। इन फ्यूचर में ऐसी रॉम का रिव्यू लेके आने वाला हूँ, तो मेक श्योर करना कि बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।